News for India। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में टूट लगभग तय मानी जा रही है। सदियों से लगातार नाराज चल रही लोक जनशक्ति पार्टी शनिवार शाम गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकती है। यही नहीं माना जा रहा है कि पार्टी बिहार चुनाव में अकेले उम्मीदवारी का दांव खेलेगी। खुद पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान इस पर आखिरी फैसला लेंगे। वहीं इस बदले सियासी घटनाक्रम में जो बात साफ तौर से उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि एलजेपी का पूरा गुस्सा जदयू से है, बीजेपी से उसकी कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, इसी नारे के साथ बिहार चुनाव में उतरेगी। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान अगर बिहार में एनडीए से अलग होने का ऐलान करते हैं तो भी एलजेपी खुद को बीजेपी के साथ गठबंधन के तौर पर ही पेश करेगी। केंद्र में एलजेपी का गठबंधन एनडीए के साथ रहेगा और रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बने रहेंगे। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम पर वोट मांगेगी। बीजेपी के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन जदयू के खिलाफ हर सीट पर वह उम्मीदवार उतारेगी। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कई मौकों पर साफ किया है कि पार्टी बीजेपी के साथ पूरी तरह से खड़ी है। उनकी नाराजगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रवैये से है। यही वजह है कि वह कई मौकों पर चिराग ने नीतीश सरकार के साथ निश्चय प्रोग्राम पर सवाल खड़े किए, इसे भ्रष्टाचार का पिटारा तक बता दिया। इससे पहले कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान कोटा से छात्रों को बिहार लाने का मामला हो या फिर प्रवासी मजदूरों की वापसी का मुद्दा, कई मौकों पर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की है। यही नहीं बिहार चुनाव में एलजेपी की मांग है कि उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को सरकार लागू करे। इसके अलावा पार्टी ने 2015 विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही करीब 42 सीटों की मांग भी इस चुनाव में की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी को करीब 20 सीटों ही ऑफर की गई हैं, जिसको लेकर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनकी बातों को खास तवज्जो नहीं मिल सकी है, जिसके बाद वो एकला चलो की रणनीति अपनाने का फैसला ले सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.